सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। ये जो श्लोक हम आगे वर्णन कर रहे हैं, जो वाचन किया गया, उस श्लोक का अर्थ ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस जगत में जितने भी चेतन जीव हैं, हर कोई सुखी हो, हर कोई निरोग हो, तथा हर कोई अपने नेत्रों के द्वारा देख सके और हर कोई दुख से रहित हो। हर हिंदू धर्म ग्रंथ में इसी प्रकार के श्लोक मंत्र हम अनेकों प्रकार देख सकते हैं। हर यही कामना करता है कि हम जो प्राणी है, दूसरे प्राणी को भी दुख से रहित ही हो जाए। लेकिन कईयों ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरे को दुख और कष्ट के कर्म करते हैं, जिसके कारण स्वरूप आज हमें भी दुख भोगना पड़ रहा है। हर कोई मनुष्य जो कर्म कर रहा है, उसका प्रतिफल तो अवश्य ही किसी न किसी दिन मिलने वाला ही है। तो इसीलिए जो आज COVID-19 के रूप में जो वायरस आया हुआ है, अनेकों मनुष्यों को वो अपने मृत्यु के गाल में दबोच चुका है। आज इस स्थिति में, आज के दिन में लगभग 55,000 से ऊपर लोग इसके चपेट में आ चुका है। जो जीवन था वो नष्ट हो चुका है, जो अमूल्य जो चेतना थी उस शरीर से वो उठ के अब चला जा चुका है। किसी का पिता, किसी के बेटा, किसी का माता, तो किसी के दादी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कारण क्या था? हो सकता है कारण उस जीव का स्वाद हो सकता है किसी के उस आंतरिक कष्ट, आंतरिक दुख और आंतरिक कोई द्वंद हो, जिसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन मुख्य बात इसमें देखने की यह है कि जो जीवन हमें मिला है वो क्षणिक है, और अवश्य ही इस जीवन के लक्ष्य को हमने अब तक नहीं पहचाना है, जिसके कारण आज जो भी मृत्यु के गाल में समा रहे हैं, उनको ऐसा संभव है कि उनकी इच्छा अभी भी पूर्ण नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो जा चुके हैं उनको हम रोक नहीं सकते। हार्दिक श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ उस 55,000 लोगों के लिए, उस नर्स के लिए, उस डॉक्टर के लिए मैं अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ जो आगे बढ़ के वो COVID-19 के जितने भी मरीज हैं उनका उपचार कर रहे हैं। उस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस COVID-19 के उपचार के लिए जितने भी धनराशि हैं वो खर्च कर रहे हैं, और उस जनता के लिए, उस धर्मप्रेमी सज्जनों के लिए जो इसमें सहभागी होकर जन कल्याण के लिए भागीदार हो रहे हैं। लेकिन जितने भी जीवन हैं, अब हमारा सोचने का वक्त यही है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए। तब जाकर हमें अब सोचना चाहिए कि हाँ, इस जीवन में सिर्फ खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, तो हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं? क्या मृत्यु के लिए ही हम अपने जीवन जी रहे हैं? जो धन राशि कमाया है, जो हमने घर और बंगला बनाया है, जो हमने परिवार को इकट्ठा किया है, क्या अंतिम में उसको छोड़ के जाने के लिए ही हम आज तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस उत्तर में हम यही दे सकते हैं कि अवश्य ही एक अध्यात्मवाद, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो आज ये समय आ चुका है कि मनुष्य अब धर्म के प्रति जागरूक हो जाए। धर्म का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी संप्रदाय बाद में पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें धर्म के नाम पर भेदभाव करने के लिए हम आगे बढ़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म जो हमें परिवर्तन कर दे, धर्म जो हमें उस परमात्मा से जोड़ दे, धर्म जो खुद को खुद से जोड़ दे, तो उस धर्म के विषय में आज हम यदि आगे बढ़ के उससे जुड़ते हैं, तो अवश्य ही मुझे लगता है कि स्वयं
हमारा जीवन भी सफल हो सकता है और जब मृत्यु भी सामने आ जाएगी अवश्य ही उस समय हम खुशी खुशी इस शरीर को त्याग पाएंगे। तो आइए आज हम कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 4 महामति जी के द्वारा हमें क्या वचन कहा जा रहा है, हमें किस प्रकार से अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहिए और किस प्रकार से वो वचन कह के हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, आइए आज हम इसी में चर्चा करते हैं। महामति जी कहते हैं, साधु हम देख्या बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। वो कह रहे हैं कि साधु जो सज्जन विन है, ये मैं देखकर आश्चर्य हूँ कि जो तमाशा आज इस दुनिया में चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, और उसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। जो तमाशा क्या है, यहाँ पे आगे वर्णन किया गया है कि मेरी मेरी करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। हर कोई जब जन्म लेता है अवश्य ही वो मनुष्य नंगा इस दुनिया में प्रवेश करता है। उसके पास ना धन है, ना उसके पास वैभव है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना परिवार का सदस्य को पहचानता है। लेकिन जब समाज में वो प्रवेश कर जाता है, तब उसके उस बुद्धि में ये प्रवेश कर दिया जाता है कि सब कुछ मेरा है या तेरा है। इस प्रकार से जो भाव उत्पन्न किया जाता है तो हर चीज़ को वो मेरा का भाव देता है, जिसके कारण वो उससे मोह रूप से जुड़ जाता है। मेरी मेरी करते दूनी जाते, और इस दुनिया से जब मृत्यु के समय आता है तो उस चीज़ को उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब तक जीवन और मृत्यु के उस डोर में वो बंधा हुआ है, जब तक जीवन है तब तक वो क्या करता है, मेरी मेरी करते दूनी जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। जो ब्रह्मांड का ही बोझ है वो अपने सिर में ढोता है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसको लगता है कि मेरे बिना ये परिवार चल ही नहीं सकता, मेरे बिना तो ये समाज का कार्य हो ही नहीं सकता। जो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं उनको लगता है कि मेरे बिना तो ये सरकार ही नहीं चल सकता, तो इस प्रकार से जो सोचता रहता है। लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो भी परिवर्तन होता ही जाता है। जीवन की इस दौर में हर चीज़ परिवर्तित है, कुछ भी हमें नहीं लगता कि वो परमानेंट इस दुनिया में है। फिर भी हम यही सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए जिएंगे। इसलिए यहाँ पे जो तमाशा चल रहा है कि मेरी मेरी करते दूनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। ये कह रहे हैं कि हमारा जो पल भर के लिए भी जो जीवन है वो क्षणिक रूप से दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमें यही लगता है कि हमारा जीवन तो अनंत काल तक चलने वाला है। अवश्य ही गीता ये कहती है कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्रेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। वो यही कह रहा है कि अवश्य ही जो मैं आत्मा हूँ, मुझे ना शस्त्र काट सकती है, ना आग जला सकती है, न जल मुझे गीला कर सकती है, न ही हवा मुझे सूखा कर सकती है। वो इस शरीर के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो चेतना के लिए कहा जा रहा है जो आज दिन तक हमने नहीं जाना। वो जीव के लिए कहा जा रहा है जो स्वयं परमात्मा से जुड़ने के लिए इच्छा करता है। जो सुख हम चाहते हैं, जो आनंद हम इस दुनिया से चाहते हैं, अवश्य ही आज दिन तक हमें नहीं मिला है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्थिति में हम ये देखना चाहते हैं कि वो सुख कहाँ पे। लेकिन अवश्य ही यहाँ पे ग्रंथ और उपनिषद और दर्शन यही कहते हैं कि इस दुनिया में तो दुख ही दुख भरा पड़ा है, सुख का तो एक नाम निशान भी नहीं है। तो हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो सुख कहाँ पे है, वो सुख स्वयं अपने अंदर है, और जो अंदर है वो स्वयं परमात्मा है। और जब तक हम उस गली में नहीं प्रवेश करेंगे, उस गुहे की तरफ
हम नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हम अंधकार में भटकते ही रहेंगे, और पल का भी हमारा भरोसा नहीं है, फिर भी हम यही चाहते रहेंगे कि इस दुनिया में ही हमें सुख मिल जाए, जो कभी भी संभव नहीं है। पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। और जो हमारे अहम भाव है, उस अहम के कारण हम किसी के ऊपर भी समर्पित भाव से हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई साधु आ जाते हैं, कोई विद्वान जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं, वो एक अच्छी बात कहते हैं कि हमें स्वयं को पहचान करना चाहिए। वो कहते हैं कि ब्रह्म ही इस दुनिया के सबसे तत्व ज्ञान वाले व्यक्ति हैं और उसी का पहचान करना चाहिए। तो अवश्य ही जिस प्रकार से आज हम इस दुनिया में भटके पड़े हैं, तो हमें लगता है कि इस संसार के सुख ही सब कुछ था, लेकिन ये जो विद्वान कह रहे हैं, क्या इसको मैं अपना अहम भाव को छोड़ के समर्पित करूं या ना करूं? तो जब इस प्रकार से जो भाव यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि हर कोई मनुष्य अपने अहम भाव को त्याग कर कभी भी उस गुरु के पास समर्पित नहीं हो सकता, लेकिन हमें अब जिस परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें अवश्य ही अपने उस अहम भाव को त्यागना चाहिए, और उस अहम भाव को त्यागते हुए ही हम उस सर्जन के पास अर्थात उस व्यक्ति के पास जो गुरु कहलाता है, उसके ऊपर निछार होना चाहिए, जिसके कारण हम उस परमात्मा तक पहुंच सके और जिस प्रकार से जो तमाशा चल रहा है उसको हम त्याग सकें। आगे पढ़ते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधु हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवत मोह हासे। जो व्यक्ति दूसरे को देखकर तब हंस सकता है जब उसको सब कुछ पता है। आज एक छोटा सा बालक है जो गुड़िया खेलता है, एक बालक है जो अनेकों नाटक करता है, तब जो आप बड़े हो चुके हैं, जिसने ये हर चीज कार्य कर चुके हैं, वो ऊपर बैठते हुए आप उस बच्चे को ऊपर हंसते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो गलती क्या करेगा, आपको पता है कि वो सही भी क्या करेगा। उसी प्रकार से महामती जी यहाँ पे सबको देखकर इसी प्रकार से हंसने का एक व्यंग्यात्मक रूप दे रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप लोग को देखकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि आप लोग को भी ये पता है कि ये दुनिया नष्ट होने वाली है, आपका जो शरीर मिला हुआ है वो भी नष्ट होने वाला है, लेकिन इसको त्याग कर भी आप उस मोह जाल से परे नहीं जा सके और उस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा आपने नहीं किया। आगे बढ़ते हुए स्वयं महामती जी यहाँ पे कह रहे हैं, बांधत बंध आप को आपे, ना समझे माया को मरम। स्वयं जो माया है उसका मरम तो आपने समझा नहीं, लेकिन आप तो यही कहते हुए बैठ रहे हैं कि माया ने आपको पकड़ रखा है। जिस प्रकार से माया तो एक जड़ पदार्थ है, वो हमें कभी भी पकड़ नहीं सकता। अवश्य ही हमारी जो इच्छाएं हैं संसार के प्रति, वही हमें पकड़ के रखा है और हमने ही उस माया को पकड़ के रखा है। लेकिन समझने वाले क्या समझते हैं कि माया जो है अत्यंत बलशाली है और उसके हाथ और पैर है, और वो पकड़ने के लिए आते हैं तभी हम पकड़े जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो शिष्य थे, एक कहानी आती है कि शिष्य भी यही बात कहता है अपने गुरु को कि माया तो बहुत बलशाली है, जिसके कारण हम माया के बंधन से छूट नहीं पा रहे हैं। तो एक दिन की बात है, गुरु जी जब चल रहे थे तो अचानक एक पेड़ को गले लग जाते हैं। जब पेड़ को गले लगा लेते हैं तब गुरुजी कहने लगते हैं शिष्य को कि मुझे बचा लो, ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचा लो। तब शिष्य हंसने लगते हैं कि गुरुजी, पेड़ के तो हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, आपको कैसे पकड़ सकता है? तो गुरुजी हंसते हुए कहते हैं कि अवश्य पेड़ मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं पेड़ को पकड़ सकता हूँ। उसी प्रकार माया तुम्हें पकड़ नहीं सकता, लेकिन तुम माया को पकड़ सकते हो। इसी प्रकार से जो भ्रम हमने पाल रखा है उसको तोड़ना चाहिए। जब हमारी इच्छा इस संसार से परिवर्तित होकर उस परमात्मा और ब्रह्म की प्राप्ति की ओर जाएगी, तभी
हमारे जो इच्छाएं हैं वो स्वयं परिवर्तित होकर अब परमात्मा की ओर जाने से हम संसार के मुँह से परे हो जाएंगे। जो इच्छा है वो परलोक की ओर जाएगा। तब जाकर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनों कियो ना देखे अंधे, पीछे रोए दोष दे दे कर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो अंधा चलता है, अंधा चलता हुआ वो देखता नहीं कि आगे क्या आया हुआ है, और जब वो ठोकर खाता है तो दोष देते हुए रोता है। आजकल के जो दुनिया में हम जो अंधे हैं वो तो एक लाठी लेकर चलते हैं और वो लाठी से वो सब कुछ पता चल जाता है उनको, लेकिन जो आँख से दिखाई भी देता है आजकल वो लोग ठोकर खा रहे हैं। आजकल वो लोग ही अंधधुंध चल रहे हैं जिसके कारण से जो कर्म का फल के रूप में हमें आज प्राप्त हो रहा है, जो कर्म किया गया है उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जैसे जिसका बीज हमने रोपा है, जिसको हम पानी, जिसका मल दे रहे हैं और समय के पश्चात वो एक फल देगा। यदि नीम और अनेकों कड़वे वृक्ष हमने रोप रखा है तो अवश्य ही कुछ समय के बाद हमें क्या मिलने वाला है, एक कड़वा फल ही मिलने वाला है। लेकिन जो पुण्य कर्म हम करते हैं उससे अवश्य ही हमें अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आज जो हम देखते हैं, जो चाइना में अनेकों प्रकार के मांस भक्षण होता है, जो नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहा जाता है उसमें भी मांस भक्षण होता है, जो भारत जो आर्य का देश कहा जाता था आज उसमें भी मांस भक्षण होता है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे ये श्लोक कहा जाता था कि हर किसी को, हर प्राणी को चेतना के स्वरूप के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर वो ईश्वर विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम एत किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिदा महागृदह कस्य स्वेधनम। जो इस वेद के मंत्र में भी कहा जा रहा है, मैंने पूर्व में भी कह दिया है कि इस मंत्र के द्वारा यही कहा जा रहा है कि हर जगत के कण कण में उस ईश्वर का सत्ता विद्यमान है और जिस प्राणी के अंदर भी वो ईश्वर ही विद्यमान है। तो हम जिस प्रकार से आज जो तमाशा दिखा रहे हैं इस दुनिया में, आप सोच सकते हैं कि महामती जी क्यों हंस रहे हैं हमारे ऊपर। इसीलिए यहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि समझे साध कहा वे धुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट ना सके या फन। समझे साध कहा वे धुनी में, वो साधु जिसको सब कुछ पता है, सब लोग यही मानते हैं कि उसको ब्रह्म ज्ञान है, सब लोग यही चाहते हैं कि वो सज्जन है, लेकिन वो भी यही ढोंग कर रहा है कि बाहर से तो वो बहुत आनंदित दिखाता है, सन्यासी का भेष भी धारण किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो स्वयं यदि देखता है तो ऐसे अनेकों नाटक वाले व्यक्ति हैं जो स्वयं एक भ्रम में जी रहे हैं। उनको ये तक पता नहीं कि स्वयं वो कौन है, वो कहाँ से आया है और उसे मृत्यु के बाद जाना कहाँ पे। स्वयं वही प्रश्न पे प्रश्न करता रहता है, लेकिन जब बारी आती है समझाने की तो हर किसी को वो समझाने के लिए तत्पर होता है। तो यहाँ पे उसी के लिए कहा जा रहा है कि समझे साध कहावे दुनिया में, बाहर देखावे आनंद। आनंद का तात्पर्य क्या है? आनंद जो इस दुख से परे है, जो इस संसारिक सुख के एक कण से भी परे है, वो रसानंद जो स्वयं परमात्मा के पास है, उस आनंद का दिखावा करता है, लेकिन वही छूट ना सके या फन, इस संसारिक मोह से वो छूट नहीं पाता। आप अभी भी देख सकते हैं इस संसार में साधु संत बन के बैठे हैं, कोई मौलवी बन के बैठा है तो कोई पादरी बन के बैठा है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है उसके द्वारा वो दूसरे को तो ये कहते हैं कि माया से हमें परमात्मा की ओर जाना चाहिए, लेकिन स्वयं वो माया के अंदर ही फंस कर बैठा हुआ है। स्वयं वही धन इकट्ठा करता है और स्वयं वो अपने से ज़्यादा ही उस दुनिया से लेता है, लेकिन जब जरूरत की बारी आती है तो वही साधु संत जो नाम के थे वो किसी को मदद नहीं करते, जो आज की दुनिया में ये देखा भी जा रहा है।
तो इस प्रकार से दुनिया है जिसका तमाशा है उसको देखकर महामती जी आश्चर्यचकित है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से उनका पता लगाना चाहिए जो स्वयं उस परमात्मा से पहचान कर लिया है और उसके पास हमें भी स्वयं पहचान करा सके, जो हमें भी वो अनुभूति दे सके। तब जाकर महामती जी हमें आगे बढ़ते हुए हमें ये कहते हैं कि सद्गुरु साधो वाको कहिए जो अगम की देवेगम। सद्गुरु तो उसी को कहा जाता है जो अगम की हमें जानकारी दे, अर्थात जो हद का ब्रह्मांड है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो हद का ब्रह्मांड है। हर कोई इस हद के ब्रह्मांड को नापना चाहता है, लेकिन आज दिन तक साइंटिस्ट भी इसको नाप नहीं पाया। लेकिन इस हद जो दिखाई देने वाला ब्रह्मांड से भी एक अव्यक्त ब्रह्मांड है जो स्वयं सिर्फ सद्गुरु ही उसके विषय में बता सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सद्गुरु तो वही है जो अव्यक्त का भी व्यक्त करके हमें समझा सके और हद बेहद सबे समझावे बहाने मन को भरम, और जो मन के जितने भी भरम है उसको मिटा दे, जो भी प्रश्न है उसका उत्तर दे दे, और जिस प्रकार से आज हम दुख में हैं उस दुख से उस आनंद की ओर ले जाए। वेद का मंत्र कहता है असुतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें स्वयं इस असत दुनिया से उस सत्य की ओर जाना चाहिए। लेकिन सत्य कौन है? सत्य वही परमात्मा है जो आदित्य वर्ण है। वेदाः मितं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा त्युमृत्युमेति न अन्य पंथा विदते अनाय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके पथ जिसने नहीं माना वो मृत्यु से पार नहीं हो सकता, और वही स्वयं वही एक ही ब्रह्म है जो अज्ञान से परे है, जो तमस से परे है। तो उसी का ही हमें ध्यान करना चाहिए, उसी का ही हमें चिंतन करना चाहिए। और वो उसका चिंतन कराने वाला इस जगत में कौन बैठा हुआ है? वही सद्गुरु है, और वही सद्गुरु को हमें मानना चाहिए। महामती कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। और जो व्यक्ति इस दुनिया में हमें इस संसारिक मोह माया से उल्टा देगा, अर्थात इस मोह और माया की दुनिया से बंधन से छुड़ा देगा और जो परमात्मा से हमारे मिलन करा देगा, वही हमारे सद्गुरु कहलाएंगे, वही हमारे जो पार कराने के लिए जो यहाँ पे आए हैं उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। लेकिन आज इस दुनिया में अनेकों सद्गुरु करके बैठे हुए हैं, अनेकों व्यक्ति अपने आप को सद्गुरु कहलाते हैं, लेकिन वैसे सद्गुरु जो कोट सेवक करो नाम निकालो इष्ट चलाओ बढ़ाई सेवा कराओ सद्गुरु कहलाओ पर अलख न देवे लखाए। भले ही वो लाखों शिष्य पाल ले, भले ही वो अपना खुद को ही भगवान कहलाए, लेकिन जब वो सद्गुरु कहलाने से लेकिन वो अव्यक्त का व्यक्त रूप से वो वर्णन ना कर पाए, सिर्फ शरीर का ढांचे को ही अब मुक्ति का मार्ग बता दे और इस संसार के ही अनेकों पदार्थ में भी वो रमते रहे, तो उनको सद्गुरु नहीं कहा जाता। तो सद्गुरु जो ऐसे शिष्यों को पालते हैं वो शिष्य भी स्वयं डूब जाते हैं और वो सद्गुरु जो कहलाते हैं वो भी डूब जाते हैं। लेकिन महामती जी का यहाँ पे वर्णन जिस प्रकार से उन्होंने कहा है सद्गुरु के विषय में वही हमें पार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो तमाशा हमने इस दुनिया में देखा है उसको पार करने के लिए ये वर्णन किया गया है कि जीवन और मृत्यु के बाद में भी एक दुनिया है, और उस तक पहुंचने के लिए अवश्य ही ये जानना जरूरी है कि हम कौन हैं, हमें जाना कहाँ पे है, और मृत्यु के बाद क्या होगा, और ब्रह्म कौन है जो इस दुनिया को चला रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हम करेंगे और जो सद्गुरु हमें मिलेंगे, तो उसी सद्गुरु के साथ साथ समर्पित होके हम भी आगे बढ़े और उस परमात्मा को प्राप्त करें, यही कामना करते हुए आज इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। प्रणाम जी।